टी न्यूज सिर्फ सच। पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा का ऑनर किलिंग प्रतापगढ़ में भी पैर पसारता नजर आ रहा है। महेशगंज बाजार निवासी 22 वर्षीय विनय कुमार गौतम की दिल्ली में मौत हो गई। विनय के परिवार वालों का कहना था कि गांव के ही द्वारिका प्रसाद की पुत्री मधु से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। विनय रोजगार के सिलसिले में दिल्ली चला गया तो मधु भी भागकर वहां पहुंच गई और दोनों ने वहां शादी कर ली। दो दिन पहले मधु के परिजन भी दिल्ली गए और उसके तुरंत बाद विनय की मौत की खबर आई। मौत की सूचना मधु की बहन ने दी। विनय चार भाइयों में सबसे छोटा था। मधु के परिजन पहले भी उसकी पिटाई कर चुके थे। दिल्ली से लाश लेकर लौटे परिजनों ने महेशगंज थाने को तहरीर दी पर पुलिस ने उन्हें डांट कर भगा दिया। चिलबिला में ट्रांसफार्मर खराब होने पर बदलने को लेकर सालों से बवाल जारी है। यहाँ सीधा आरोप लगता रहा है कि पैसे देने पर तत्काल ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है वरना हफ्तों तक इंतजार कराया जाता है। इन सबके बीच शनिवार को रानीगंज क्षेत्र से कुछ ग्रामीण ट्रांसफार्मर लेने चिलबिला स्टोर पर आए थे। वहां तैनात स्टोर कीपर संजय वर्मा ने उनसे यह कहकर देने में असमर्थता जताई कि उनका नंबर बाद में है। इस पर वहां लोग हंगामा करने लगे। उनकी शिकायत पर एक्सीएन ने स्टोर कीपर को फोन पर हड़का डाला। संजय तुरंत रोने लगा और बाद में अचेत हो गया। सहकर्मी उसे जिला अस्पताल ले गए। यहाँ संजय ने एक्सीएन पर धमकाने का आरोप लगाया है। वाराणसी के डीएम योगेश्वर राम मिश्रा की इनोवा कार शनिवार रात लालगंज कोतवाली के धंधुआ गाजान गांव के पास टेडुई मोड़ पर नील गाय से टकरा गई। हादसे में डीएम और उनका स्टाफ बाल बाल बच गए। डीएम आईएएस वीक में शामिल होकर लखनऊ से लौट रहे थे। बाद में उन्हें दूसरी गाड़ी से रवाना किया गया। प्रतापगढ़ के मानधाता क्षेत्र के चौबेपुर उसरापुर गाँव निवासी ज्ञानेन कुमार मिश्रा के घर पर चोरों ने धावा बोला। वे छत के ऊपर का दरवाजे के बगल का लगा ईंट तोड़कर दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहे थे। आहट सुनकर घर वाले जाग गए और चोर तुरंत भाग निकले। चोर इससे पहले गांव के राजकुमार मिश्र और हरिकेश यादव के घर चोरी कर चुके हैं। जूनियर बार एसोसिएशन की शनिवार को हुई बैठक में कार्यकारिणी का चुनाव कराने को लेकर चर्चा हुई। इसमें 23 फरवरी को चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। राहुल गांधी की ताजपोशी पर प्रतापगढ़ और अमेठी में जमकर जश्न मनाया गया। कांग्रेस कार्यालय पर लोगों ने पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटी। लालगंज और अन्य क्षेत्रों में भी कांग्रेसी जनों ने खुशियां मनाई। के गौरीगंज स्थित कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में राहुल गांधी के ताजपोशी पर मनाया जा रहा जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिला लगा रहे हैं जिंदाबाद। जगदीशपुर के कस्बा निहालगढ़ निवासी सुनील कुमार वैश्य अमेठी जिले के सईद बीड़ी के सप्लायर हैं। उनका सेल्समैन नफस इन्होना बाजार बीड़ी की सप्लाई करके लौट रहा था। जैसे ही वो एलमेसगंज के कारीडी गांव के पास पहुंचा, सामने से अपाचे सवार दो बदमाशों ने गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया। बदमाशों ने ड्राइवर पर तमंचा तान दिया और सप्लायर के पास रखा रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए। जब तक ड्राइवर हल्ला मचाते, उसके पहले ही बदमाश तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। बैग में करीब 1.5 लाख रुपए थे। शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के इन्होना कस्बे में चोरों ने एक ही रात 4 दुकान और 3 घरों को खंगाल डाला। बाजार लुट गया पर पुलिस आराम से सोती रही। चारों दुकानें कपड़ों की थी। यहां से गर्म कपड़े और नकद उड़ा लिए गए। बाजार के बाद भगवंत नगर में 3 घरों को निशाना बनाया गया। जिले में राशन कार्ड बनाने में हो रहे खेल का मामला शासन तक पहुंच चुका है। सदर विधायक संगमलाल गुप्ता की शिकायत पर शनिवार को संयुक्त खाद्य आयुक्त ब्रजेंद्र कुमार प्रतापगढ़ पहुंचे। उन्होंने विधायक के साथ जिला आपूर्ति अधिकारी से पूरे मामले की जानकारी ली। संडवा चंद्रिका ब्लॉक की ग्राम सभा आशापुर भटान में चयनित पात्र व्यक्तियों का नाम पात्रता सूची में शामिल न करने को लेकर विधायक ने शिकायत दर्ज कराई थी।
प्रतापगढ़ के प्रभात एकेडमी में मेस्मर जैज का ऑडिशन हुआ। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।